दुष्यंत चौटाला बने हीरो तो बीरेंद्र सिंह दिखे जीरो। चौटाला का शक्ति प्रदर्शन, बीरेंद्र सिंह का फ्लॉप प्रदर्शन। चौटाला की मैराथन पास, बीरेंद्र सिंह का कार्यक्रम फेल। बीरेंद्र सिंह के समारोह में रही कुर्सियां खाली। 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश के सबसे बड़े चुनावी घमासान का गवाह रहा उचाना। 48 घंटे के अंदर दो शक्ति प्रदर्शन का केंद्र रहा। 23 मार्च को दुष्यंत चौटाला ने शहीद भगत सिंह की स्मृति में मैराथन दौड़ का आयोजन किया और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपने सामाजिक जीवन के 50 साल पूरे होने पर विशेष समारोह आयोजित किया। शक्ति प्रदर्शन की इस जंग में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एक बार फिर बीरेंद्र सिंह के परिवार पर भारी पड़े। दुष्यंत चौटाला जिस तरह 2019 में बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को 47,000 वोटों से हराकर अपना दबदबा कायम किए थे, उसी तरह 23 मार्च के कार्यक्रम में दुष्यंत चौटाला ने बीरेंद्र सिंह के आज के कार्यक्रम से 4 गुना ज्यादा भीड़ जुटाकर फिर से अपना डंका बचवा दिया। दुष्यंत चौटाला की मैराथन में जहां हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए, वहीं बीरेंद्र सिंह के आज के कार्यक्रम में लगाई गई 3,000 कुर्सियों में से 1,000 कुर्सियां खाली रह गई। दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उचाना में बीरेंद्र सिंह के परिवार के मुकाबले उनके पास जनता का कई गुना ज्यादा समर्थन है और उचाना की सियासत से बीरेंद्र सिंह का परिवार हाशिए पर चला गया है। बीरेंद्र सिंह के आज के कार्यक्रम में उनके समर्थक भारी भीड़ आने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बीरेंद्र सिंह की सियासत के 50 साल के समारोह में 3,000 कुर्सियां भी नहीं भर पाई और उनका यह बेहद खास कार्यक्रम सुपर फ्लॉप साबित हो गया। बीरेंद्र सिंह के 50 साल कार्यक्रम में भाजपा के किसी बड़े नेता का शामिल नहीं होना भी यह साफ कर गया कि भाजपा में बीरेंद्र सिंह की अब कोई पूछ नहीं है और अमित शाह सहित दूसरे नेताओं ने उनसे किनारा कर लिया है और उनकी जरूरत अब भाजपा को नहीं है। खरी खरी बात है कि दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के दौरान झेले गए भारी विरोध के बाद एक ही कार्यक्रम के जरिए खुद को फिर से उचाना में नंबर एक नेता साबित कर दिया है। वहीं बीरेंद्र सिंह अपने ही घर में जनता द्वारा खारिज कर दिए गए हैं। बेहद सुपर फ्लॉप कार्यक्रम के कारण बीरेंद्र सिंह ने उचाना में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर दिया है। आप पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता का कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही निकल जाना भी यह बता गया कि बीरेंद्र सिंह के जनाधार की पोल उनकी आंखों के सामने खुल गई है और अब आम आदमी पार्टी में भी वीरेंद्र सिंह को वह रसूख नहीं मिलेगा जिसकी वह उम्मीद कर रहे थे। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के लिए देखते रहें K9 मीडिया।